अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। करीब 5 दशक के एक्टिंग करियर में 65 से भी ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार की कुछ फिल्में हैं, अंदाज जो साल 1949 में रिलीज हुई, आन जो सन 1952 में रिलीज हुई, दाग जो 1952 में रिलीज हुई, 1955 में रिलीज हुई फिल्म देवदास, इसी साल रिलीज हुई उनकी फिल्म आजाद, साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम, 1961 में रिलीज हुई फिल्म गंगा जमुना, 1967 में रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम उनकी करियर की ऐसी फिल्में हैं जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। 1976 में दिलीप कुमार ने काम से 5 साल का ब्रेक लिया। इसके बाद साल 1981 में उन्होंने फिल्म क्रांति से वापसी की। इसके बाद वो फिल्म शक्ति जो 1982 में रिलीज हुई, 1984 में रिलीज हुई फिल्म मशाल, 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में वो नजर आए। उनकी आखिरी फिल्म किला थी जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड 1 मिनट की रिपोर्ट।